जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द क्रेजी ट्यूटर्स पर। इससे पहले हम लोगों ने खेल कूद के इतिहास के बारे में समझा, भोजन के इतिहास के बारे में समझा और निष्पादित कलाओं के इतिहास के बारे में भली भांति समझ लिया है। यदि आप लोगों ने इसके वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिए। और हमारे प्लेलिस्ट पर दे दिया गया है, वहाँ भी जाकर आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जो नए बंदे यहाँ देख रहे हैं उस जल्दी से जल्दी इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो उनके समक्ष जल्दी से पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं वस्त्र विन्यास का इतिहास। ये जो वीडियो है हम लोग वस्त्र विन्यास के इतिहास के बारे में समझेंगे, वस्त्र विन्यास का इतिहास क्या था, ठीक है। वस्त्र विन्यास का इतिहास, नवपाषाण काल में वस्त्र बनाने की कला का आविष्कार हुआ, ठीक है। क्या हुआ, नवपाषाण काल में वस्त्र बनाने की कला में, वस्त्र तो हम लोग पहले भी पहनते थे लेकिन जो वस्त्र बनाया जाता था उसके कला में कला का आविष्कार हुआ, यानी सूत, रेशम, ठीक है, ऊन, यदि इन सभी चीज़ों से हम लोग क्या बनाने लगे, वस्त्र बनाने लगे। समझ में आ रहा है, नवपाषाण काल में वस्त्र बनाने की कला का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, ठीक। तब क्या हुआ, पहले हम लोग या पूर्व पाषाण काल में जो लोग थे वो पेड़ के पत्ते, छाल, जानवर के चमड़े से अपने बदन को ढका करते थे। पहले के लोग क्या करते थे कि पेड़ के पत्ते से, पेड़ की छाल से, जानवरों के चमड़े से अपने बदन को ढका करते थे। समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन नवपाषाण काल में कटाई बुनाई का आविष्कार हुआ। क्या हुआ, नवपाषाण काल में कटाई बुनाई का आविष्कार हुआ। अब आप सोचेंगे कटाई बुनाई क्यों बोल रहे हैं, कटाई मतलब काटना, बुनाई मतलब बुनना, ठीक है। तो रेशम काटेंगे, रेशम से धागा बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उससे वस्त्र बनाएंगे, ठीक है। तो नवपाषाण काल में कटाई बुनाई का आविष्कार हुआ। अब क्या हुआ, उसमें चरखा करघा का आविष्कार हुआ। अब तो कटाई बुनाई हो गया, अब उसको बुनने के लिए तो कोई मशीन लगेगा या कोई औजार लगेगा, जिसके माध्यम से क्या होगा, आपका कपड़ा बन के रेडी होगा। समझ में आया ना, ठीक है। चरखा करघा का आविष्कार हुआ। चरखा कैसा दिखता है, तो चरखा देखिए ऐसे करके गोल रहता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे रहता है और ऐसे दो को लाइन रहता है, यहाँ पर एक मशीन रहता है, यहाँ पर एक सूत रहता है और यहाँ पर इसको घिसा जाता है, जिसके कारण यहाँ से कपड़ा निकलता है। समझ में आया, चरखा इस प्रकार का होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि चरखा और करघा का आविष्कार उस समय के लोगों ने किया, ठीक, जिसके कारण क्या हुआ कि अब हम लोग कपड़े बुनना सीख गए, ठीक है। यदि उसका सपक्ष उदाहरण देखना है तो आप लोग महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी देखे होंगे, महात्मा गांधी को चरखा का यूज़ करते हुए वो अपने कपड़े खुद बुना करते थे, ठीक है। मिस्र तथा सुमेर के लोग अधो वस्त्र पहनते थे। अब ये अधो वस्त्र क्या है, ठीक है, आपको मतलब थोड़ा अजीब लगेगा, अधो वस्त्र क्या है, देखिए मिस्र तथा सुमेर के जो लोग थे वो अधो वस्त्र पहनते थे, यानी एक लुंगी, जैसे लुंगी देखा सबका घर में, लुंगी उंगी देखे ही होंगे, लुंगी कैसा होता है, ठीक है, लुंगी पहनते थे, लुंगी टाइप का पहनते थे, लुंगी नहीं था, ठीक है, लुंगी टाइप का पहनते थे और ऊपर का जो पार्ट था वो खाली होता था। समझ में आ रहा है, ऊपर का पार्ट जो खाली का होता था, खाली होता था और उसी को अधो वस्त्र कहते, अधो मतलब आधा, ठीक है, हमारे पूरा बॉडी है, पूरा बॉडी है लेकिन आधा पार्ट जो ढका है नीचे का पार्ट वो क्या कहलाएगा, उस वस्त्र को ढकेंगे अधो वस्त्र, माने आधा पहना हुआ है, ठीक है। तो उस समय मिस्र और सुमेर के जो लोग होते थे वो अधो वस्त्र पहनते थे, ठीक है। यदि आपको नहीं पता तो जिसके आप फोटो देख सकते हैं, आप गूगल में सर्च मारेगा अधो वस्त्र तो आपको दिखाई दे देगा, ठीक। भारत में जो थे, भारत में ऋतुओं के अनुसार वस्त्र पहनते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता बाकी सब में अधो वस्त्र पहना जाता था और हम लोग ऋतु के अनुसार कपड़े पहनते थे शुरू से ही, ठीक है, अभी से नहीं, शुरू से हम लोग ऋतु के साथ कपड़े पहनते हैं, यानी जब गर्मी आता है तो हम लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, जब ठंडी आती है तो हम लोग मोटे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, ठंडा ना लगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या सभी प्रकार के मौसम में पाई जाती है, ऋतुएँ पाई जाती हैं, ठीक है। और तो उस समय का जो प्रचलन था अधो वस्त्र, अधि वस्त्र और पेशम का, ये सभी ये वस्त्र है, ठीक है ना, ये सारे वस्त्र के माने सेक्टर्स हैं, ठीक है। अधो वस्त्र, अधो वस्त्र यानी आधे कपड़े, अधि वस्त्र मतलब ये आधे कपड़े होते हैं और रेशम, पेशम के कपड़े यानी रेशम के बुने से कपड़े जो डिजाइनिंग होते हैं वो पेशम के कपड़े हुआ करते थे। समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या था, मृग के छाल, ठीक है ना, मृग के छाल से भी, मृग क्या होता है, हिरण, हिरण के छाल से भी कपड़े पहनकर उस समय के लोग पहनते थे। नारी और पुरुष दोनों में भिन्न 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 प्रकार के कपड़े होते थे। अभी भी है, अभी भी लड़के और लड़कियों में अलग 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 डिज़ाइन के कपड़े हैं, वो अलग बात है, जो कि अब क्या है, दोनों में समानता है, अब कोई भी कुछ भी पहन सकता है, इसमें कोई मतभेद नहीं, ठीक है। लेकिन यदि कोई लड़का साड़ी पहने तो अच्छा लगेगा, नहीं ना लगेगा, साड़ी लड़की के लिए है और लड़का के लिए क्या है, शर्ट है, पैंट है, जीन्स है, वगैरह वगैरह बहुत सारे कपड़े हैं, ठीक है। तो कपड़ा भी पहनने का क्या होता है, ढंग होता है,
आगे बात करते हैं अधोवस्त्र, अधिवस्त्र और पेशम। समझ में आ गया अधोवस्त्र क्या है, अधिवस्त्र क्या और पेशम क्या है। ठीक, कपड़ा तो हम लोग क्या किए, कपड़ा कपास ऊन रेशम से बनते थे। कपड़े क्या थे, जो कपड़ा हम लोगों ने बनाया ठीक है वो किससे बनते थे, कपास से बनते थे, कपास से, ऊन से और रेशम से। ठीक है, रेशम के धागे बनाए जाते थे, उसका ऊन तैयार होता था, किससे, भेड़ से ऊन तैयार होता था, और कपास की खेती की जाती, जिसके कारण हम लोग कपड़े बनाना सीख गए। ठीक है, कपड़ा बनाते थे और क्या हुआ, उसे रंगा जाता था। क्या किया जाता था, रंगा जाता था। कपड़े तो बन गए लेकिन उसको बाद में रंग किया जाता था। मोहनजोदड़ो जब आपने फिल्म देखा होगा तो उसमें आपको दिखाई दिया स्पष्ट रूप से कि कपड़े उस समय कैसे बुने जाते थे और उसको रंगा किस प्रकार जाता था। बैर को एक मैंने एक प्रकार का फल होता है जो बैर टाइप का था, ठीक है, चेरी होता है, बैर होता है, उसको क्या किया जाता है, मतलब उसको कद्दूकस किया जाता है एक टब में रखकर, उससे जो रस निकलता था उससे कपड़े, मतलब प्राकृतिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से क्या, कपड़ों को रंगा जाता था। समझ में आ रहा है ना, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे या कुछ भी समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं या भूल हो रहे हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि हमसे कहां गलती हुई कि हम लोग उसे आगे चलकर सुधार सकें। ठीक है, वर्तमान समय में ठीक है, औद्योगिक क्रांति के कारण और माने उद्योग की स्थापना हुई। ठीक है, अब क्या, वर्तमान समय यानी आधुनिक समय, जब हम लोग आधुनिक युग में आ गए, क्रांति हुई, ठीक है, उस समय क्या हुआ, उद्योग की, पहले तो हाथ से बनाते थे, ठीक है, अब क्या हुआ, मशीन आ गई। मशीन आने के कारण क्या हुआ, लोगों का काम और आसान हो गया। जो व्यक्ति मतलब धीरे धीरे सामान बनाता था, ठीक है, एक व्यक्ति कितना का एक दिन में कपड़ा बनाएगा, बहुत कम बनाएगा, लेकिन मशीन उससे डबल स्पीड बनाती थी। तो मशीन चलाने के लिए व्यक्ति चाहिए और मशीन बनाने के लिए भी व्यक्ति चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मशीन के आने से लोगों का काम बढ़ गया, लोगों का काम बढ़ गया। ठीक है, मशीन बनाने के लिए भी लोग चाहिए और क्या है, मशीन का इस्तेमाल करने के लिए भी लोग चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि औद्योगिक क्रांति आई जब, उसके कारण उद्योग की स्थापना हुई यानी कारखानों की स्थापना हुई जिसमें वस्त्र बनते। ठीक है, लोगों पर धार्मिक, सांस्कृतिक, जलवायु, भू प्रकृति का प्रभाव पड़ा। मतलब जो लोग कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, कपड़े हम लोग पहनते हैं तो उस पर धार्मिक, अब धार्मिक क्या है समझिए, ठीक है, धार्मिक क्या है, धर्म, हम भारत में रहते हैं, ठीक, हम भारत में रहते हैं जिसमें नाना प्रकार, नाना धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पर अस्थायी रूप से निवास करते हैं और ये सभी हमारे देश के निवासी हैं और ये सभी भारतवर्षी हैं। ठीक है, तो जब धार्मिक क्या हुआ, जैसे कि सिख को लीजिए, सिख के कपड़े पहनने का ढंग कुछ अलग है, हिंदू के कपड़े पहनने का ढंग कुछ अलग है, मुस्लिम के कपड़े पहनने का ढंग कुछ अलग है, सभी अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार अपने जो कपड़े होते हैं वो पहना करते हैं। संस्कृति का भी प्रभाव है, संस्कृति का भी इस पर गहरा प्रभाव है, धार्मिक है तो संस्कृति भी रहेगा। ठीक है, संस्कृति का भी प्रभाव, जलवायु का तो मोस्ट प्रभाव है, जैसे कि हम लोग बता सकते हैं कि वेदर के हिसाब से हम लोग शुरू से ही कपड़े पहनते आ रहे हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से जब हम लोग को पता चला, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, उस समय से हम लोग क्या पर है, ऋतु के अनुसार ही हम लोग अब कपड़े पहनते थे भारत के लोग। भू प्राकृतिक यानी भूमि, भू प्राकृतिक के अनुसार भी हम लोग क्या पहनते हैं, कपड़ों को पहनने का ढंग हमारा भू प्राकृतिक पर भी पड़ता है। समझ में आ रहा है, एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति के मिलने पर परिवर्तन होता है, ये तो स्वाभाविक है। ठीक है, जब कोई एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति से मिलती है तो वो अपनी छाप उसमें छोड़ती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, पश्चिमी सभ्यता आज हमारे भारत में धीरे धीरे एक घाव का रूप धारण करते जा रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या पहन रहे हैं, अभी हम लोग अपना अंग ढक नहीं रहे हैं, अंग दिखा रहे हैं। ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से, यदि आपको लगता है कि मैं गलत बोलता हूँ तो आप तर्क में उत्तर जरूर दीजिए। ठीक है, लेकिन आज के समाज में यह क्या हो रहा है कि हमें अंग दिखाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अंग छिपाने में नहीं। ठीक है, तो जो पश्चिमी सभ्यता थी जहाँ इनको आज़ादी दी जाती थी, आज़ादी वो लोग कहना कि आज़ादी है, लेकिन हमारी सभ्यता वैसी नहीं है, हमारी सभ्यता अलग है। ठीक है, तो देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति से मिलने पर परिवर्तन होता है और हम लोग धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता के अपनाने के साथ साथ, खाने पीने के ढंग के साथ साथ, हम लोग वस्त्र को भी क्या कर रहे, अपना रहे। ठीक, लोग अपनी क्षमता अनुसार कपड़े पहनने लगे। जब आधुनिक युग आया तो लोग अपनी क्षमता अनुसार कपड़े पहनते हैं। जिसका मतलब पैसे ज़्यादा होते हैं वो महंगे कपड़े पहनते हैं, जिसके मिडिल होते हैं वो थोड़ी कम दाम के पैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन कपड़े तो सभी पहनते हैं और सभी क्राइटेरिया बनाया गया है। ठीक है, जिसका ज़्यादा दाम है भाई रायमंड का कपड़ा पहन रहा है,
इसका कम दाम है, वो मतलब लोकल मार्केट का कपड़ा पहन रहा है, ठीक है, ब्रांडेड ब्रांडेड होता है, लोकल लोकल होता है, लेकिन कपड़ा क्या है, कपड़ा तो कपड़ा होता है, बॉडी बॉडी ढकने से मतलब है, ब्रांड से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग इसको भली बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एक बार और छोटी से छोटा सा मैं हिंट देकर समझा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसे नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। देखिए कैसे लिखेंगे, नवपाषाण काल में वस्त्र बनाने की कला का आविष्कार हुआ, ठीक है। पूर्व पाषाण काल में लोग पेड़ के पत्ते, छाल, जानवरों को चमड़े इत्यादि से अपने बदन को ढका करते थे, ठीक है। नवपाषाण काल में कटाई बुनाई का आविष्कार होने के कारण क्या उस समय के लोगों ने कपड़ा बनाना सीख लिया, ठीक है। उस समय क्या हुआ, चरखा करघा का आविष्कार हुआ, नवपाषाण काल में चरखा करघा का आविष्कार हुआ। मिस्र तथा सुमेर के लोग अधो वस्त्र पहना करते थे, अधो वस्त्र का तात्पर्य है उस समय का जो लोग थे वो कमर के नीचे यानी एक लुंगी के आकार का कपड़ा पहना करते थे और ऊपर का जो हिस्सा होता था वो बदन खाली होता था, ठीक है। भारत में ऋतु के अनुसार, शुरू से ही भारत में ऋतु के अनुसार वस्त्रों पहना करते थे, ठीक है। गर्मी में हल्के कपड़े और ठंडी में मोटे कपड़े शुरू से ही हम लोग पहनते हैं, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, भारत में अधो वस्त्र, अधिवस्त्र और पेशम, ये तीन प्रकार के कपड़ों का प्रचलन होता था, ठीक है। उस समय मृग के छालों को भी कपड़े के रूप में पहना जाता था। आगे बात करें कि कपड़ा, जो कपड़ा था वो कपास, ऊन और रेशम से बनते थे, ठीक है, और इसे बाद में रंगा जाता था, कपड़े को बाद में रंगा था, ठीक है। वर्तमान समय में औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योग की स्थापना हुई, ठीक है। वर्तमान समय में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ कि उद्योगों की स्थापना यानी कारखानों की स्थापना हुई। एक देश की संस्कृति दूसरे देश, सॉरी, लोगों पर धार्मिक संस्कृति, जलवायु और प्रकृति, भू प्रकृति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। लोगों पर क्या पड़ा, धार्मिक संस्कृति और जलवायु प्रकृति, भू प्रकृति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा उस समय, ठीक है। एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति का मिलने पर परिवर्तन होता है, यह स्वाभाविक है कि एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति जब मिलती है तो उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लोग उसके बाद जब वर्तमान समय में हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार कपड़े पहनने लगे, ठीक। इस प्रकार हम लोग पाँच नंबर का जो क्वेश्चन है, पाँच लोगों को पाँच नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो पाँच नंबर के लिए जो पूछा जाएगा उसमें हम लोग 150 शब्दों में इसको भली भांति लिख देंगे, ठीक है। यदि आपको किसी चीज़ में समस्या होगी, यदि आप इसको एक काम कीजिएगा, इसको पहले लिखिएगा अपने कॉपी में, ठीक है, और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर इसको आप फोटो खींच कर सेंड कीजिए और अपना नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक है, और अपना पता भी लिखिएगा, जिसके कारण हमको समझ में आएगा कि यह वीडियो कितने दूर तक जाएगी, कितने दूर के लोगों तक इन्हें देखा है, कितने छोटे छोटे छात्रों ने जो हमारे हैं, ठीक है, जो कि दूर दूर रहते हैं, हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ते हैं, वो देखें और इसको समझें और उसको लिखें, ठीक है। तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारा वीडियो कितना दूर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग यातायात के इतिहास के बारे में समझेंगे। जिस प्रकार हम लोगों ने खेलकूद के इतिहास के बारे में समझा, भोजन के इतिहास के बारे में समझा, वस्त्र विन्यास के इतिहास के बारे में समझा, ठीक है, निष्पादित कलाओं के इतिहास के बारे में समझा, अब हम लोग उसी प्रकार यातायात के इतिहास के बारे में समझेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे उस समय इतिहास माने यातायात हुआ करता था और आज के यातायात में अंतर है, तो डेवलपमेंट जब हुआ तो वो तो इतिहास का अध्ययन हो गया, ठीक है, क्योंकि वही हमारे समाज का ही हिस्सा है और सामाजिक इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सामाजिक इतिहास के अंतर्गत क्या है, यातायात का इतिहास हमें देखने को मिलता है, ठीक, समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं, तो यातायात का जो इतिहास है वो तकनीकी खोज है, ठीक है। यातायात क्या है, एक तकनीकी खोज है। जब डेवलपमेंट होगा, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो जब टेक्नोलॉजी आएगी, तो टेक्नोलॉजी कब आएगी, जब किसी चीज़ की आपको आवश्यकता होगी। पहले लोग पैदल चला करते थे, यातायात किया करते थे पैदल जाकर, फिर उन्हें लगा कि नहीं, जानवरों के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, यातायात कर सकते हैं। तो घोड़े से सिंगल व्यक्ति जाता था, राजा महाराजा यातायात करते थे तो घोड़ों के माध्यम से करते थे। फिर पालकी आई, फिर लगा कि नहीं, अब एक दो सामान लेकर भी जाना चाहिए। तब क्या आया, देखिए, प्राचीन काल के लोग घोड़े तथा बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी का प्रयोग करते थे। यातायात करने के लिए लोग क्या करते थे, घोड़े तथा बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी का प्रयोग करते थे। जैसे बैलों को क्या बोलते थे, बैलों के द्वारा खींचे गए कार्ट्स बोलते थे, और घोड़े के द्वारा क्या बोलते थे, टम टम, क्या बोलते थे, टम टम, ठीक है, टम टम के द्वारा, टम टम था, और घोड़े बैलों के द्वारा खींचाने को कार्ट्स बोलते थे। उसके माध्यम से क्या होता था, हम लोग यातायात करते थे, यानी सामान लेकर कहीं एक स्थान दूसरे स्थान तक जा सकते थे, ठीक। यातायात के लिए तो घोड़े पे भी आदमी इंसान यातायात करता था, ठीक। ये तो स्थल का बात हुआ, अब जल की बात करते हैं।
जल में क्या था, जल में छोटी नाव यानी डोंगी का प्रयोग किया जाता था। डोंगी छोटी सी नाव होती थी, ठीक है। कटोरे से आकार का सबसे पहला आया, कटोरे का आकार का होता था, उसमें दो लोग ही बैठते थे और उसमें क्या होता था, चप्पू के माध्यम से एक स्थान दूसरे स्थान तक जाया जाता था। फिर धीरे धीरे उसके शेप और आकार में बदलाव आया। पहले इस तरह के कटोरे के आकार का हुआ करता था, ठीक है, नाव इस कटोरे के आकार का हुआ करता था, लेकिन बाद में नाव का आकार को ऐसे बना दिया गया, ठीक है, ऐसे बना दिया गया, इसमें ऐसे ऐसे, ठीक है, दो नाव बना दिया गया, ये पानी में ऐसे तैरता है, ये चप्पू बना दिया गया, एक चप्पू यहाँ पर दिया गया, एक चप्पू यहाँ दिया गया, ठीक है, दो चप्पू के माध्यम से नाव बनाया गया, समझ में आ रहा है। अब नाव क्या करता है, इस तिरछे ऐसे आकार के होने के कारण ये पानी में टिकता है और ये क्या होता था, गोल होता था जो घूमने लगता था, समझ में आ रहा है ना, घूमने, और ये क्या है, एक डायरेक्शन होने के कारण एक दिशा में आगे बढ़ेगा, समझ में आ रहा है क्यों इसको परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे, भली बात है। इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, डोंगी का प्रयोग होता था, डोंगी क्यों, कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जल में, ठीक है। अब धीरे धीरे यातायात के क्षेत्र में विकास हुआ, अब मेंटेलिटी जब बदली, बुद्धि में जब आया, जब मैंने बताया कि कटोरा में क्या होता था, घूम जाता था लोग, यानी सब प्रॉब्लम होता था, वैसे वैसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा तो जाने में क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा, उन्हें लगा कि इस आकार से, गोल आकार से क्या करते हैं, अब हम लोग इस लंबे आकार का बनाकर देखते हैं और उसमें एक नोकी निकालेंगे। तो उससे क्या हुआ, दिमाग में आया कब, जब उनको आवश्यकता की लगा तब, ठीक है। तो धीरे धीरे यातायात के क्षेत्र में विकास हुआ। अब क्या हुआ, कच्चे रास्ते और पक्के रास्ते, जो रास्ते कच्चे थे यानी मिट्टी के रास्ते हुआ करते थे, वो कंक्रीट के माध्यम से क्या हो गया, पक्के रास्ते बना दिए गए, ठीक है, पक्के रास्ते हो गए। अब यातायात करने में और सुविधा धीरे धीरे होने लगी। जल छोड़ वायु मार्ग में कार्य, ठीक है, जल छोड़कर, यानी अब जल से यातायात तो होता ही था, उसके साथ साथ वायु मार्ग में भी यातायात करने की सुविधा इंसान ढूंढने लगा। हम जल मार्ग से तो यातायात कर लेते हैं, चलिए अब वायु मार्ग से भी यातायात करके देखते हैं, ठीक है। तो वायु मार्ग से भी वो क्या करने लगा, संसाधन खोजने लगा, रेलगाड़ी का आविष्कार किया, नाव के जगह पर जलयान का आविष्कार हुआ। जलयान क्या हुआ, नाव छोटा होता है, जलयान बड़ा होता है, ठीक है, जलयान बड़ा होने के कारण क्या, उसमें सामान भी लोड हो सकता है और वो एक स्थान दूसरे स्थान तक जाएगा तो उसको व्यापार करने में आसानी होगा, नाव के माध्यम से कितना ले जाएगा, और यातायात करने में तो बहुत समय लगता था, ठीक है, ऐसा थोड़ी था कि एक दिन आज यहाँ निकले और एक दिन में पहुँच गया मलेशिया, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, तो समय ज़्यादा लगता था, जिसके कारण क्या होता, सामान जो था वो नष्ट भी हो जाता था, और कभी कभी तो ऐसा होता था नाव में जो यात्री जा रहे हैं वो भी मर जाते थे, क्यों, क्योंकि भोजन के अभाव में मर जाते थे वो, और किस जलवायु के परिवर्तन के कारण, क्योंकि समुद्र में जलवायु अस्थिर होता है, मतलब कब बारिश आ जाएगा, कब तूफान आ जाएगा, किसी को पता नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे नाविकों की हत्या, माने मृत्यु हो जाती थी वहीं पर, ठीक है। तो इसी कारण जलयान का आविष्कार किया गया कि सामान को भी प्रोटेक्ट किया जाए और जो नाविक यहाँ से जा रहे हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना, अब ये किस क्यों हुआ, जबकि आवश्यकता थी, आवश्यकता ही आविष्कार का स्रोत होता है, समझ में आ रहा है ना, कि आवश्यकता क्या होता है, आविष्कार का स्रोत होता है। जब किसी चीज़ की आपको आवश्यकता होगी तो दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंटेंट आएगा कि हमें क्या बनाना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो यातायात के क्षेत्र में नए यंत्रों का आविष्कार हुआ। अब ये सारे यंत्र तो थे ही, इसके साथ साथ अब नए यंत्र क्या हुआ, तो मोटर गाड़ी, ठीक है, मोटर साइकिल ट्राम गाड़ी बस ट्रक इत्यादि का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, जो कि पेट्रोल डीजल चलने वाले यंत्र थे, समझ में आ रहा है। ये वाहन है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते थे, एक स्थान दूसरे स्थान तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुँच सकते थे, ठीक है। तो मोटर बारे में जानते हैं, साइकिल के बारे में, ट्राम जो कि अब लगभग बंद हो चुका है, लेकिन हमारे कोलकाता में यह अभी भी चलता है, यह हमारी संस्कृति है, ठीक है, क्योंकि हम पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ते, ठीक है। तो हमारा ट्राम आपको देखना हो तो आप कलकत्ता आकर देख सकते हैं ट्राम गाड़ी को, ठीक है। उसके बाद गाड़ी है, बस है, ट्रक है, ये सभी चीज़ों का प्रचलन कब हुआ, जब हमारे मस्तिष्क में बौद्धिकता जगी कि हमें किस किस चीज़ को इन्वेंशन करना चाहिए, हमें आवश्यकता लगा कि हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसका आविष्कार किया, समझ में आया। सोचिए एक, मतलब फिर भी देखिएगा समय में क्या हुआ, इस यातायात करने में ज़्यादा बहुत दिन लगता था, ठीक है, इतना दिन लगता था ना कि आपको क्या बताएं। सबसे पहला जो था इंग्लैंड लंदन, माने इंडिया से लंदन जाना, ठीक है ना, यहाँ से 20,000 किलोमीटर दूर है लंदन, ठीक है, इंडिया से, और इसे 70 दिन में बस के माध्यम से पहला ट्रैवल किया गया था, ठीक है, 70 दिन में। अगर कभी आपसे पूछे तो ये जीके का क्वेश्चन है, आपको मैंने बता दिया, आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। 70 दिन में इंडिया से लंदन जाया गया था, किसके माध्यम से, तो बस के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, भारत में रेल का आविष्कार हुआ। 1853 में मुंबई से थावे रेल चली, कौन किया, 1800 में कौन था, अंग्रेज था,
अंग्रेज ने क्या लाया हमारे देश में, रेलगाड़ी लेकर आए। ठीक है, तो प्रथम रेल हमारे यहाँ चली थी 1853 में, कहाँ से, मुंबई से ठाणे। ठीक है, मुंबई से ठाणे हमारे यहाँ प्रथम रेल चली थी। अब 1820 में इंग्लैंड ने आधुनिक रेल की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब क्या हुआ इंग्लैंड में 1820 में, ठीक है, अब ये तो रेल था ही, 1812 में उन्होंने पहले आधुनिक रेल का आविष्कार कर लिया था। जो पुरानका रेल था, जो बचा रेल था, वो ला के हम लोग को 1853 में ला के भारत में धर दिया। ठीक है, कि लो भारत में लोग व्यापार करेंगे तो क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। कैसे जाते हैं, गाड़ी से, मोटरसाइकिल जाते हैं, मोटर जाते हैं, साइकिल जाते हैं, इतना दिन लगता है। और ट्रेन से क्या होगा, हम ट्रेन से तुरंत रेल पटरी बिछा देंगे और अपना अपना जितना भी सैनिक होगा तुरंत मुंबई से लेकर आ जाएंगे कलकत्ता, कलकत्ता से जल्दी दिल्ली, दिल्ली से गुजरात, सब जगह ले जाकर क्या करेंगे, अपना सेना बैठाएंगे। ठीक है, इसे कानून ने क्या किया, रेल का आविष्कार किया, रेल पटरी का निर्माण किया। ठीक है, हमारे लिए उन्होंने रेल का निर्माण नहीं किया, अपनी सुविधा के लिए उन्होंने रेल का निर्माण किया। समझ में आ रहा है, ठीक है, रेल का निर्माण उन्होंने 1853 में किया और अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक यानी माने आधुनिक रेल का आविष्कार कब किया, तो 1820 में किया था। समझ में आया, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उत्पत्ति हुई, समझ में आ गया। पूछ सकता है कि इंग्लैंड में आधुनिक रेल की उत्पत्ति कब हुई, तो 1820 में, और भारत में प्रथम रेल का माने रेल कब चली थी, तो 1853 में चली थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं यहीं से आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं वायु के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ समझाया, जल छोड़कर वायु मार्ग से भी क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, राइडर्स ब्रदर्स। ठीक है, राइडर्स ब्रदर्स का नाम क्या है, देखिए दो भाई थे जिनका नाम था, एक अल्बर राइट और एक बिल्बर राइट। ठीक है, इन्होंने वायुयान का आविष्कार किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वायुयान का आविष्कार किया, मगर इन्होंने किया, लेकिन क्या आपको पता है, इनसे पहले हमारे भारतीय ने, ठीक है, एक भारतीय सपूत ने वायुयान का आविष्कार कर दिया था, लेकिन बहुत ही दुख के साथ बताया जा रहा है कि हमारे इतिहास में उनका नाम कहीं उल्लेखनीय नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है, यह आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि उस समय किसका राज था, उस समय अंग्रेजों का राज था, और उन्होंने हमारे हमारे इस भारत सपूत को नहीं दिखलाया। क्यों नहीं दिखलाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारे भारतीयों को जब इस बात का पता चलेगा तो वो क्या होंगे, और भी एग्रेसिव हो गए और हमारी सत्ता हाथ से चली जाएगी। ऐसा हुआ भी, ठीक है, ऐसा हुआ भी, टिके तो नहीं, बहुत जल्दी चले गए, लेकिन हमारे जो देश के सपूत थे उनका नाम हमारे इतिहास में दबा दिया गया, हमें नहीं बताया गया। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको उस व्यक्ति का नाम जरूर बताऊंगा। यदि आप जानते हैं उस व्यक्ति का नाम, ठीक है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं बता दूं, राइडर्स ब्रदर्स जो कि अल्बर्ट आर्टविल राइट्स और बिरबल राइट्स के जो वायुयान का आविष्कार किया था, उनसे पहले, ठीक है, उनसे पहले शिवकर बापूजी तरपड़े जो कि मुंबई में रहने माने महाराष्ट्र में रहते थे, इनकी भाषा थी मराठी। ठीक है, उन्होंने प्रथम मानव रहित विमान, ठीक है, मानव रहित विमान का आविष्कार किया था, जिसका उन्होंने सफल परीक्षण भी किया था 1895 को। ठीक है, 1895 को उन्होंने सफल परीक्षण किया था, यानी उस विमान को उड़ाया था, लेकिन उसमें कोई मानव नहीं था, मानव रहित विमान था। ठीक है, उसमें कोई मानव नहीं था, लेकिन उन्होंने उड़ा दिया था। और उसके 8 साल के बाद राइडर्स ब्रदर्स ने, ठीक है, वायुयान का आविष्कार किया। लेकिन हमें शिवकर बापूजी तरपड़े का नाम कहीं देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इन्हें इंग्लैंड ने माने अंग्रेजों ने क्या किया, इनके नाम को दबा दिया। ठीक है, लेकिन हमें उस व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे भारत के लोग हैं। ठीक है, हमारे भारत के व्यक्ति हैं, उन्होंने इन लोगों से पहले हमारे क्या किया, वायुयान का आविष्कार किया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे हमारी बात को। ठीक है, तो राइटर्स ब्रदर्स का नाम तो हमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन क्या कभी अपने इतिहास में हमें शिवकर बापूजी तरपड़े के बारे में पढ़ने को मिलता है, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें हमारे इतिहास में दबा दिया। मानते हैं वो उन्होंने विमान बनाया, ठीक है, विमान सफल उड़ाया भी, लेकिन दुर्भाग्यवश की बात यह है कि जब उन्होंने इसका सफल माने कि जब बैठ कर इसे उड़ाने का जब मॉडल तैयार कर रहे थे तो उनका देहांत हो गया। ठीक है, जिसके कारण यह मॉडल जो था अधूरा रह गया और हमारे इतिहास में इसे दबा दिया गया, इसे नहीं बताया गया। ठीक है, हमें बहुत दुख है इस बात का कि इस व्यक्ति के बारे में हमें नहीं बताया गया। ठीक है, लेकिन हम आपको हर वो बात बताएंगे जो कि हमसे छिपाया गया है। इसीलिए आप यदि उस महान शख्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें। ठीक है, हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे कि शिवकर बापूजी तरपड़े कौन थे। ठीक है, यदि आप रिकमेंड करेंगे तो। ठीक है,
आगे बात करते हैं कि हमारा जो मानव माने हमारा जो भारतीय समाज था, ठीक है, हमारा भारतीय समाज इतना उन्नत समाज था, हमारे भारत में ऐसा चीज़ था कि लोग यहाँ पर आके पढ़ते थे, ठीक है, चाइना फ्रांस के लोग यहाँ पर आके पढ़ते थे। हमारा सबसे पहला तो हम ही लोग पढ़ना लिखना सीखे, बोलना सीखे, पढ़ना लिखना सीखे, लिखने की लिपि सीखे। हम लोग जब इतने कुछ सीखे तो हमारे इतिहास को क्यों दबाया जा रहा है, ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम को क्यों दबाया जा रहा है, ठीक है, एजुकेशन में हम लोग इतने अच्छे थे, आज क्यों हमें पछाड़ा जा रहा है पीछे। तो ऐसा पछाड़ने से नहीं होगा, हमें ऐसा कार्य करना होगा जिसके माध्यम जिसके कारण लोग हमें युगों युगों तक पहचाने कि भारतवर्ष क्या है। हमें उस सोने की चिड़िया को फिर से सोना का चिड़िया बनाना होगा, ठीक है, इसके लिए आपको आगे आना होगा और आपको मेहनत करनी होगी अपने देश के प्रति। इसके लिए नहीं कि आप नौकरी करें, इसके लिए कि आप अपने देश के लिए कुछ कर सकें, ठीक है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो भली भांति समझ में आ रहा होगा और शिवकर बापू जो तरपड़े का योगदान और उनके जो उनकी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो भी आप हमारे वीडियो के माध्यम से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।